नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं रुद्रपुर से अपने सभी की महेंद्र पोखरी के साथ भास्कर पोखरियाल। खास खबर यह है कि किच्छा थाना क्षेत्र में इको कार चोरी के मामले का मुकदमा दर्ज हुआ था और इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां चोरी की गाड़ियां बरामद करी, वहीं कुछ आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। उधर रुद्रपुर की एसओजी टीम ने भी आपराधिक दृश्य से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी मामले का खुलासा आज एसपी सिटी ममता बोरा ने मीडिया के समक्ष किया। आइए देखते हैं क्या कहना है रुद्रपुर एसपी सिटी ममता बोरा का इस मामले पर। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये इको गाड़ी का जो मामला था, इसमें क्या हुआ और कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए? 16 नवंबर को किच्छा क्षेत्र से इको वैन नाम की गाड़ी चोरी हुई थी, जिसके संबंध में जब जानकारी मिली तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई करना शुरू किया और टेक्निकल और जो हमारे डिजिटल एविडेंसेस हैं उनके आधार पर जानकारी करने पर ये पता चला कि उस गाड़ी को जो लेके जा रहे हैं जो एक्यूज हैं उसके पीछे पीछे एक और गाड़ी चल रही थी, तो वो लाल रंग की i10 गाड़ी थी। तो जब पुलिस ने पूरा तहकीकात किया तो वो दोनों गाड़ियाँ, एक तो वो जो गाड़ी चोरी हुई थी और जो गाड़ी प्रयोग की गई थी चोरी के लिए, वो दोनों गाड़ियाँ बरामद करी हैं। 3 एक्यूज थे इसमें से, इसमें 2 एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, 1 एक्यूज फरार है। बिलाल और नजीम को अरेस्ट कर लिया गया है, दोनों यूपी के हैं, सूफी फरार हैं। हमारे कब्जे में दोनों गाड़ियाँ हैं, एक चोरी वाली भी और जो चोरी के लिए प्रयोग हुई थी वो गाड़ी। कुछ है जरा उसमें कुछ बताएंगे? हाँ, SOG काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है पिछले दिनों से, काफ़ी तेज़ी से उसने हर क्षेत्र में अपना जो इफेक्टिवनेस है वो दिखाई है। तो अभी चेकिंग के दौरान SOG ने 3 अभियुक्तों को पकड़ा है जिनके कब्जे से 1 पिस्टल और 2 तमंचे बरामद हुए हैं, और ये तीनों ही लड़के जो तीनों ही अभियुक्त हैं, तीनों रुद्रपुर के हैं और दोनों घटनाएँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाएँ हैं, तो इस पर कप्तान साहब द्वारा 2500 के इनाम की घोषणा की गई है दोनों टीम्स के लिए।